स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 86। द सम ऑफ थ्री कॉन्जिगेटिव नंबर इज 156। फाइंड द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 13 आउट ऑफ दीज। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ थ्री कॉन्जिगेटिव नंबर इज 156। बच्चों, थ्री कॉन्जिगेटिव नंबर हैं जिसका सम कितना है, 156 है। ठीक, तो पहले तो हम ये थ्री कॉन्जिगेटिव नंबर फाइंड करेंगे, इसमें से देखेंगे 13 का मल्टीपल कौन है, वो हमको बताना है। ठीक, 13 का मल्टीपल मतलब 13 की टेबल में कौन आता है। तो थ्री कॉन्जिगेटिव नंबर, कॉन्जिगेटिव नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लगातार आते हैं उसको हम कॉन्जिगेटिव नंबर बोलते हैं। ओके, तो बच्चों कॉन्जिगेटिव नंबर क्या होते हैं, कॉन्जिगेटिव नंबर जो कॉन्टिन्यूसली आते हैं लगातार, विदाउट एनी गैप, कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि जैसे आ गया 25 के बाद आ गया 26, ठीक, 26 के बाद आ गया 27 के बाद आ गया 28, देख रहे हो कोई भी गैप नहीं है बच्चों यहाँ पर। ठीक, 25, 26, 27, 28, 29 ये सब कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई नेचुरल नंबर पता है जैसे कि 25, तो इसके नेक्स्ट वाला आपको कैसे मिलता है। तो जवाब है 25 में 1 ऐड कर दो 26 मिल जाएगा। अब 26 अगर पता है तो नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा, 26 में 1 ऐड कर दीजिए तो 27, 27 के नेक्स्ट वाला कैसे, कॉन्सेक्यूटिव वाला कैसे मिलेगा, 27 प्लस 1। यानी कि अगर आपको कोई नेचुरल नंबर पता है तो उसके नेक्स्ट वाला जो उसके जो कॉन्सेक्यूटिव वाला अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे करोगे, उसमें 1 ऐड कर दो बस। ठीक, तो अगर कोई नेचुरल नंबर बच्चों x है, ठीक, तो इसके नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा, जवाब है x में 1 ऐड कर दीजिए यानी कि x प्लस 1, तो नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, x प्लस 1। ठीक, अब x प्लस 1 के नेक्स्ट वाला अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, x प्लस 1 में, x प्लस 1 तो पहले से ही है, इसमें 1 और ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा, x 1 प्लस 1 2, सो x प्लस 2। ठीक, यानी कि ये हो गया फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। ठीक है, सो हमने अपनी कॉपी में लिखा क्या, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। अच्छा, कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कि सर 2 क्यों नहीं ऐड किया। बेटा 2 हम तब ऐड करते हैं जैसे एक्स में x प्लस 2 करेंगे, x प्लस 2 में फिर से 2 ऐड करेंगे तो x प्लस 4 आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी तो कर चुके हैं हम कि भाई फर्स्ट नेचुरल नंबर हमने x माना, दूसरा हमने x प्लस 2 माना और तीसरा हमने x प्लस 4 माना, 2 का गैप लिया यहाँ पे, कितने का, 2 का। वो तब लेते हैं जब वो हमसे क्या बोलता है, थ्री कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर या फिर थ्री कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, तीन लगातार आने वाले इवन नंबर या तीन लगातार आने वाले ऑड नंबर की जब बात करता है तब हम 2 का गैप करते हैं। क्यों सर, क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर आपके पास ये देखिए 2, 4, 6 हैं, ये थ्री कॉन्सेक्यूटिव लगातार आने वाले इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो देखो 2 का गैप है, 2 का गैप है। ठीक, इसलिए यहाँ पे 2 का गैप है, x में 2 ऐड किया, x प्लस 2, x प्लस 2 में 2 ऐड किया, x प्लस 4। इसी तरीके से थ्री कॉन्सेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है जैसे 1, 3, 5, 1 में 2 ऐड करोगे 3, 3 में 2 ऐड करोगे 5, यानी कि जब वो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर की बात करें या कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की बात करें तो 2 का गैप चलेगा। लेकिन अगर केवल वो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात करें, कॉन्सेक्यूटिव मतलब अब इवन ऑड नहीं देखना है, एक के बाद एक लगातार देखना है, तो ओनली अगर वो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात करता है तो हमको बस सिंपली 1 ऐड करना है, 1 का गैप होगा। देखो 25 के बाद 26, 20, ये जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैंने x, x प्लस 1 और x प्लस 2 क्यों चूज किया है। ठीक है, नाउ लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x, अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर x है तो नेक्स्ट वाला कितना होगा, x प्लस 1, है ना, सो सेकेंड विल बी x प्लस 1 एंड थर्ड नेचुरल नंबर विल बी x प्लस 2। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, ये वाला नेचुरल नंबर, ये वाला और ये वाला, इनका अगर हम तीनों का सम कर दें तो कितना आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा है कि द सम ऑफ थ्री कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 156, तीनों को ऐड करने पर 156 आ रहा है, यानी कि x, x प्लस 1 और x प्लस 2 इनको ऐड करना है और रखना किसके इक्वल है, 156। ऐड करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ प्लस लगा दो, सेकेंड और थर्ड यहाँ प्लस लगा दो, सबको ऐड कर दिया, x की वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा 3x और प्लस 1 प्लस 2 कितना होता है 3 इज इक्वल्स टू 156, ये प्लस 3 है, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, सो 3x इज इक्वल्स टू 156, ये प्लस 3 है, राइट हैंड साइड जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू 156 माइनस 3 153। ओके, नाउ अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 153 है ना, 153 है, नाउ ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 153
बाय थ्री. नाउ थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, थ्री वन ज़ा थ्री, फिफ्टी वन अपॉन वन फिफ्टी वन. सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 51. ठीक है, ये हो गया. नाउ तो फर्स्ट नेचुरल नंबर एक्स था और एक्स की वैल्यू 51, यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना है, 51 है. सेकेंड कितना हो जाएगा, x प्लस वन. एक्स कितना है, 51 और प्लस 1 करना है. 51 प्लस 1 52. तो सेकेंड वाला नेचुरल नंबर कितना हो गया, 52. थर्ड वाला कितना हो जाएगा, 51 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा. ठीक है ना, ये हो गया. अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 13 आउट ऑफ दिस नंबर. ठीक, इन तीनों नंबर्स में से मल्टीपल ऑफ 13 कौन है वो बताना. मल्टीपल ऑफ 13 मतलब 13 की टेबल में कौन आता है. ठीक, तो 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26, 13 थ्री ज़ा 39, 13 फोर ज़ा 52. चेक कर लो, ये जो 52 है ये 13 का मल्टीपल है. सो आंसर क्या लिखेंगे, देखो ना तो 53 13 की टेबल में आता है, ना तो 51 13 की टेबल में आता है. 13 की टेबल में कौन, मल्टीपल ऑफ 13 मतलब 13 की टेबल में. ओके, सो आंसर में हम लिखेंगे 52 इज द मल्टीपल ऑफ 13. ओके स्टूडेंट्स, बस नोट कर लीजिए, यही आंसर है आपका.